हाँ जी, काम शाम ख़त्म हो गए हैं। आज का ड्रेस भी दिखा देती हूँ क्या पहनना हुआ है। ये शर्ट है और ये आप लोग खिला रहा देखिए अनबॉक्सिंग का। और जो ब्रांड्स कहते हैं अनबॉक्सिंग कर दो, डेली की ना इतनी हो नहीं सकती है। अब मैं ये सारा समेटने लगी हूँ, जो जो पैकेज हाथ आएगा अनबॉक्सिंग होती रहेगी, लेकिन अब 2 दिन बाद होगी। ये पैकेज जेजी की तरफ से रिसीव हुआ है। ये इन्होंने भेजी है जी नेपोलियन पिज़्ज़ा डो रेसिपी। ये इसकी रेसिपी है, इस तरह ये चीज़ इसके अंदर मिक्स करनी है और ये सारा मेथड लिखा हुआ है। ये मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरह इसका टेस्ट है। उसके बाद ये बड़े मज़े की चीज़ भेजी है, पोटली फॉर मिक्स मसाला। कई चीज़ें होती हैं जिस तरह पुलाव बनाना होता है और काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर पोटली डालनी होती है पूरे मसाले, ताकि सबके मुँह में ना आए। ये पोटली है, इसके अंदर डालो, बंद करो और पानी के अंदर या यखनी के अंदर या सूप के अंदर डालने के लिए। ये बाकी डिटेल्स हैं डो की। इसके बाद इन्होंने भेजा है बार्बर शीट भेजी है, कलर लगाते वक्त और कटिंग वगैरह करते वक्त पहनी जा सकती है। बटर पेपर है छोटे साइज़ का, फिर फ्रीज़र स्टोरेज बैग हैं, फिर बटर पेपर है बड़े साइज़ का। ये ट्रैश बैग्स हैं, ये भी स्टोरेज बॉक्सेस वगैरह हैं। मेरे घर में ना बाल्टियों पर यही लगे होते हैं, बड़े ईजी टू यूज़ है। और इसके बाद इन्होंने भेजा था मास्क और हैंड ग्लव्स भी भेजे थे, वो ऊपर पड़े हैं। बहुत शुक्रिया जी भेजने के लिए। मरियम परवेज को इंक्लूड करके मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊं, सोच लो। नैना को डेयर नहीं करना। हाँ जी, बहुत अच्छे बने हैं। चावलों के साथ केचप, बंदा मूली खाता है साथ, टमाटर खाता है। नहीं, मैं अपने कॉलेज की याद कर रहा था। अच्छा, प्लीज डोंट डिस्टर्ब।